दोस्तों स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। देखिए, हमको ये पता करना है कि हमको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये ग्राफ साइन कर्व है, यानी पहले करंट जीरो है, मैक्सिमम जीरो, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये आपका स्क्वायर एसी है, इसमें देखिए प्लस माइनस आ रहा है। ये आपका ट्रायंगुलर एसी है, ये आपका एसी नहीं है, ये आपका एसी नहीं है, ये आपका एसी नहीं है। समझते हैं क्यों ये एसी है। करंट जीरो, बढ़कर मैक्सिमम जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। इसमें टाइम लग रहा है, जिसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड टी। अब इतने ही समय फिर टी में, फिर जीरो मैक्सिमम और फिर से टी, तो ये टू टी हो गया। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। दो कंडीशन है, एक तो इसको पीरियोडिक होना चाहिए, हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे ही इसको बोलते हैं स्क्वायर एसी, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, और प्लस होकर माइनस होने का जो इसका टाइम पीरियड है वो फिक्स है। तो टाइम पीरियड अगर फिक्स है, हर टी टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो ये एसी है, ये भी एसी है। इंक्रीज, मैक्सिमम, डिक्रीज, जीरो, डायरेक्शन चेंज, और एक चक्कर पूरा, फिर एक चक्कर पूरा, टू टी हो गया। तो हर टी टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है। अब ये एसी क्यों नहीं है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करंट वैरी तो कर रही है, देखिए हमेशा देखिए प्लस है, यानी इसमें डायरेक्शन सेम है, तो ये डीसी करंट हो गई। डीसी करंट क्या होती है? डीसी करंट वो होती है जिसमें एक ही सेंस में करंट फ्लो करे, जैसे क्लॉकवाइज हमेशा या एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। तो ये डीसी करंट में चली गई, एसी नहीं। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन एसी के लिए एक चीज और है, उसका जो एम्पलीट्यूड है ये हर बार सेम आना चाहिए, और एक चक्कर लगाने का जो समय है वो भी इसका बदल रहा है। जैसे ये वाला समय अगर 10 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड नहीं है, ये अगला वाला अलग है, तो हर बार साइन बदल रहा है, मतलब टाइम इसका ये बदल रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड भी देखिए बार बार वेरी कर रहा है, तो ये एसी नहीं है। और ये देखिए, इसमें भी यही बात है कि हमेशा ये प्लस है, तो ये आपकी डीसी करंट हो गई। क्योंकि देखिए, एसी के लिए जरूरी क्या है, डायरेक्शन चेंज करना, ये हमेशा प्लस है। तो मैंने आपको एक ग्राफ से एग्जांपल दिया, समझाने की कोशिश की कैसे आप किसी ग्राफ को देख कर पहचानेंगे वो एसी है या नहीं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।